आज अगर ये मुर्गी फंस गई तो इसे ऐसी जगह छोड़ के आऊंगा अगले जन्म में ये कुतिया बन जावे, भैंस बन जावे, पर मुर्गी ना बनने की। अरे मैं तो यूं सोच रहा, आज ये सारी की सारी मुर्गी फंस जावे तो जावे इधर की मुर्गी इनका हवा का हवा ही नहीं बन जाए। फिर वो गधे पाड़ेंगे, चील पाड़ेंगे, उल्लू पाड़ेंगे, पर मुर्गी ना पाड़ेंगे। फंस गई, फंस गई, फंस गई। मोटे चुप रहे साले, किसी ने सुन लिया तो मुर्गी हाथ पे जाती रहेगी। आज तक मेरे हाथ तक कोई नहीं बचा सकता। मुर्गी फंस गई, मुर्गी फंस गई, मुर्गी फंस गई, मर गए, पिताजी हो गए, अंडे फंस गए, ताऊ आ गए। अरे ये राहु केतु शनि तीनों ग्रह एक साथ कहाँ इकट्ठे हो रहे, क्या कर रहे तुम? के कर रहे, कुछ भी तो ना कर रहे। फिर कुछ कर क्यों ना लेते? और वह भैंस प्यासी खड़ी, उसे पानी पिला दे। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, फिर जाता क्यों ना तू? अरे यार मुर्गी की आवाज कहाँ तक आई? मुर्गी खा के आ रहा ना, आवाज तो मेरे पेट तक आ रही होगी। अरे ये टोकरा पड़ा है यहाँ, इसे एक माई को रख दे, तोड़ दे गयो इसे। अभी रख रहा हूँ। चल तू पानी पिला दे, मैं रख दूंगा इसे। जब मैं कह रहा हूँ मैं रख दूंगा। और तू धोरा खड़ा, तू रख क्यों नहीं देता इसे? रख दूंगा मैं। ए, रख दूंगा, रख क्यों नहीं देता फिर इसे? जब मैं कह रहा हूँ मैं रख दूंगा। लो मैं ही रख दूंगा इसे। अरे इस हाथ को हटा ले, मर जा। देखो देखो वो देखो। अभी आई अम्मी। भाई आज तो बहुत गर्मी हो रही है। माँ आपके लिए एक गिलास पानी मंगवाती हूँ। मंगवा जल्दी कर। समा, अपने अब्बू के लिए एक गिलास पानी लेके आ। राम राम भाभी जी, ठीक हो? राम राम जी, आओ बैठो। लाओ पहले इसे मुझे दो। ओल्लू कैसा है मेरा बेटा? दीदी कपड़े तो मैं सारे धोवाई, बस जीजा जी की तो पैंट रह गई है। चल कोई बात ना, कल धुल जाएंगे। जा तू जाके रोटी खा ले, अभी भूख ना लग रही। पहले तो मैं इसे प्यार करूंगी। ला दे। अभी देख लो इसे, मैं ना दे रहा, तोड़। क्यों ना दे रहा? ज्यादा लाड़ ना दिखावे, अभी रोएगा तो छोड़ के भाग जाएगा। अले मिला बच्चा। भाभी इससे तो तुम्हारे जुड़वा बालक होते। चिंता ना करो, जब जावेद का ब्याह होगा तो दो दो हो जाएंगे। भाभी वहाँ तो जब होंगे जब सही। अरे जीजी रवि कहाँ है तड़के थे, आज तो वो रोटी खाने भी ना आया। साली जी हमें भी खिला दे करो कदी कदाक बना के अपने हाथों से। मौसी जी से कहूंगी थारे लिए भी एक ढूंढ दे, वही करेगी तुम्हें ढंग में।
रवि ले दूध पी ले। रवि ओ रवि तेरे ते कह रही हूँ आवाज ना आ रही के? एक मुर्गी के निकल गई हाथ से ऐसे खड़ा हो गया जैसे के छूट गया हो। अरे तेरे ते ना बचने की वो मुर्गी, ले दूध पी ले। खड़ा ले मेरे यार यहाँ पे खड़ा। और हम तुझे सारे गांव में ढूंढा है। अरे इसका हाल क्या हो रहा है? मुझे लगा इसने भी मुंह भी ना धोया दिखे। और रवि तुझे हमें एक बात बताना है, सुन तो सही। बावड़ी ना इसे कुदक बाय हो गई, अन्नी सिर शाम तो पक्की है। मीठा ये जो कुमार है चोरी चोरी चुप चुप हुआ दीदार है। खट्टा खट्टा मीठा मीठा ये जो कुमार है चोरी चोरी चुप चुप हुआ दीदार है। हुआ दीदार है हुआ दीदार है मेरे रोम रोम में बस गया बस गया उसका प्यार है। खट्टा खट्टा मीठा मीठा ये जो कुमार है चोरी चोरी चुप चुप हुआ दीदार है। चमका चमका दमका दमका देखा निखार है चोरी चोरी चुप चुप हुआ दीदार है। हुआ दीदार है मेरे रोम रोम में बस गया हाँ बस गया उसका प्यार है। खट्टा खट्टा मीठा मीठा ये जो कुमार है चोरी चोरी चुप चुप हुआ दीदार है। हुआ दीदार है हुआ दीदार है से बातें। पलक उठी जब डूबे हम तो संभल भी कैसे पाते। झील सी गहरी आंखें कर गई मुझसे बातें। पलक उठी जब डूबे हम तो संभल भी कैसे पाते।
उजला सा बदला सा लागे संसार है, चोरी चोरी चुप चुप हुआ दीदार है, हुआ दीदार है। मेरे रोम रोम में बस क्या, हाँ बस क्या, उसका प्यार है। खट्टा खट्टा मीठा मीठा ये जो कुमार है, चोरी चोरी चुप चुप हुआ दीदार है, हुआ दीदार है, हुआ दीदार है। खुशबू नशा गजब का चढ़ा गई, छा गई मुझ पे मदहोशी पे सबर मने बना गई। सांसों की वो खुशबू नशा गजब का चढ़ा गई, छा गई मुझ पे मदहोशी पे सबर मने बना गई। महकी महकी बहकी बहकी आई ये बहार है, चोरी चोरी चुप चुप हुआ दीदार है, हुआ दीदार है, हुआ दीदार है। मेरे रोम रोम में बस क्या, हाँ बस क्या, उसका प्यार है। खट्टा खट्टा मीठा मीठा ये जो कुमार है, चोरी चोरी चुप चुप हुआ दीदार है, हुआ दीदार है, हुआ दीदार है, हुआ दीदार है। खट्टा खट्टा मीठा मीठा ये जो कुमार है, चोरी चोरी चुप चुप हुआ दीदार है। खट्टा खट्टा मीठा मीठा ये जो कुमार है, चोरी चोरी चुप चुप हुआ दीदार है। खट्टा खट्टा मीठा मीठा ये जो कुमार है, 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 खट्टा खट्टा मीठा मीठा ये जो कुमार है। कामना थोड़ा सा नंबर और गिर दे इसमें, कड़वी जहर कर रखी है बिल्कुल, मुझे ना अच्छी लग रही है। ले जा ठाकुर सर, चटनी बना दे मेरे लिए थोड़ी। ठीक है। राम राम रमेश भैया। राम राम भाई, राम राम। आ जा भाई बैठ। अरे क्या बना रखा है भाई? कढ़ी बनाई है। कढ़ी बना रखी भाई? कामना चटनी वटनी उठाल कर, मैं तो कढ़ी से खा लूंगा रोटी। चल भैया। ताई ना कढ़ी बनाई दिखा भाई। राम राम भाई जान। राम राम भाई, राम राम। कढ़ी तो बनाई है, बनाई भी समा बाप बिना। अच्छा बहू ने कढ़ी बनाई है, तो लिया फिर जल्दी, आज बहू के हाथ की कढ़ी खाओगे। बाप भी रमेश भी आए हैं, रोटी परोस लाओ। ताऊ ताई कहाँ गए हैं भाई? पीर पे गए सूदने के, चद्दर चढ़ाने के नहीं, दरकास लगाने, ताकि निकाह में कोई कमी ना आवे। ओहो कड़ी, अरे कड़ी तो मेरी मनपसंद सब्जी है। आपी कड़ी तो कड़ी, सारी सब्जी बहुत बढ़िया बनावे। अच्छा पेट तो ठीक है भाई, टेम टेम पे कड़ी मिलती रहेगी। और दो चार दिन की बात है, फिर तो निकाह पड़ते ही भाभी पे हमारा पूरा हो जाएगा। फिर तो मैं तीनों टाइम कड़ी बनवा के खिलवाया करेंगे। आजा भाई जावेद, रोटी खा ले, तेरी बहू ने कड़ी बनाई है। बस खा ले तू, मैं और रोटी लाऊं। Thank you.
जीजा जी, मौसी जी ने कहा है कि ताऊ जी के यहाँ दूध दे आइए, वहाँ पर दूध खत्म हो रहा है ना। इधर तो तू ही दे आती। क्या मैं दिया हूँ? अच्छा रे, जुगाड़ कर, मैं अपने आप दिया जाकर। तुम आज जाकर तो फिर कोई बखेड़ा करेगा। भैया तुम खेत पे तो हारे थके आए हो, तुम आराम करो। रटा परेकू, दिया मैं अपने आप दूध। अजी कैसे हटूं परेकू, इस घर में मेरा भी तो कुछ हक है काम करने का। आज तो बड़ा काम पे हक दिखा रहा, अनि तुमने मैं खाने पीने पे हक दिखाया। अरे जीजा जी, बेचारा इतनी ही जिद कर रहा है तो मान लो ना इसकी भी। अरे दियान दो। हाँ ठीक कह रही है यार, मैं दे आऊंगा। अच्छा रे, चल हम ही गलत कह रहे होंगे भाई। सलाम ताऊ जी। वालेकुम सलाम बेटे, वालेकुम सलाम। अल्लाह तेरी उम्र बहुत लंबी करे। अरे भाई रवि, आज तू हमारे घर में आया है, आता जाता रहा कर। आ बैठ, कैसा है तू? ठीक है तू? दूध है डिब्बे में। दूध ना, ये पूछ रहे ठीक है तू? ना। क्यों, तेरी तबीयत खराब हो रही है? ऐसी लगे। कब से हो रही है? कि कब से हो रही है? अरे तेरा माथा तो ठंडा है, तू दवा ले और आराम कर। पता ना कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा। जावेद के अब्बू, इसे दवा दिला के लाओ। ना ताई मैं ठीक हूँ, मैं तो अपने आप ले लूँगा। तुम जाओ भी, इसे दवा दिला के लाओ, पता ना इसे क्या हो रहा। दुनिया का आठवां अजूबा। अरे मरण को छाती पे आके धरगी, हट। चल रवि रोटी खा ले, सुबह ते भूख का पैसा पड़ा है। ये बात होगी? कुछ ना, बस भूख सी ना है। तेरी मनपसंद सब्जी बनाई है, करेला। जब तुझे कह दी मुझे भूख ना है, मैं बाद में खा लूंगा, जा तू। रवि, ओ रवि, यार हम तेरी खातर मुर्गी पकड़ने का एक धांसू आइडिया लेके आए हैं। और आइडिया ऐसा, बस कसम खुदा की पूछे मत ना। यार हम तुझे बात बताने लग रहा है और तू हमारी सुन ना रिया, ईमान से ले यार। बस जल्दी से पूछ ले आइडिया के है, बात पेट में पच ना रही, दर्द होने लग रहा। और फिर जावेद की सारी मुर्गियों पे कब्जा हमारा होगा, क्यों? ईमान से ले। मुर्गी? कौन सी मुर्गी, कैसी मुर्गी, मुझे नहीं पता कुछ भी। अबे मुर्गी, अंडे देने वाली मुर्गी, जावेदर की मुर्गी। चल जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं किसी मुर्गी उर्गी को ना जानता। यार तू मजाक मत कर, चल तो सही। दोनों बुड्ढे बाहर बैठे हैं, तुम चलो मैं आ रहा हूं। भरलाया जिलम लव पी इकबाल। हाँ भाई इकबाल। हाँ बोल। फिर 40वें की रोटी का केक कर रहा? देख ले, जैसे तू ठीक समझे वैसे ही कर लेंगे। हाँ भाई रवि, अब तो ठीक है तू? हाँ जी मैं ठीक हूँ। तो फिर
कर ले तैयारी। अरे तन्ना कहाँ की तैयारी कर ली, अब जल्दी आ इस चलम को ठाक है। भर के लाऊं इसे? अरे अभी तो भरी थी यार, तू कहाँ लेके चल दिया इसे? अरे जान दे इसे, पहली बार तो ये चिलम भर रहा है, तुझे तो खुश होना चाहिए। अरे चूल्हे में तो भर ला, कहाँ जावे तू? इससे कोई फर्क ना पड़ता। अरे भर के ना लाया चलम। मैं वो चूल्हे में आग नाती, ताऊ भर के तलाऊं भर के। एक चूल्हे में आग ना कहिए, और मैं अभी तो ले आ भर के। आओ रोही भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, चिलम भरन आया हूँ। आओ मैं भर देता हूँ। ना ना, मैं खुद भर लूँगा। तो भर लो जाके, चूल्हे में आग तो है। रवि तू, ये हो गया कैसे चिक्का? कुछ ना ताई, मैं तो चिलम भर रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया जो चिलम भरनी पड़ रही है तुझे? हाथ तो नजर गया तेरा। कुछ ना, मैं ठीक हूँ। अबे तू क्या कर रहा है यहाँ? कुछ ना, चिलम भरन आया हूँ, दिख ना रहा। चिलम भर ली तो जा यहाँ से, क्यों खड़ा? हाँ यू मान ली तेरी। रवि अब काम करने लगा है, अरे तुझे तो अब खुश होना चाहिए। पर मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास आ ना रहा। अरे मैं कहूं था ना, धीरे धीरे सब समझ जाएगा, बड़ा समझदार है मारा रवि। ले तू हुक्का पी। यूं ना सुधरे कदी। क्यों? ले पी के देख। क्षमा बेटी। जी अम्मी। जरा कसका बांधिया चटिया, कदी बाद में खुल ना जावे। अच्छा अम्मी। ये बात हो रही है सास बहू की, बुढ़ापे में किसे बांधे? सलाम चाची। जीती रहे बेटी, तेरी जोड़ी बनी रहे। लक्ष्मी बहना आ जा, दे आई कितो का बुलावा। रोजाना तो तू अकेली चली आवे, पर आज क्षमा का जरूर लेके आई है। अरे क्या बताऊं लक्ष्मी बहना, मैंने तो इसे कई दफे कही पर यह जाती ना, बहुत शर्मावे। इसमें शर्माने की के बात है, वो भी तो अपना घर है। आ जाइए, तेरा जी बहल जावेगा। जी आ जाऊंगी। शम्मा चाय बना ला अपनी चाची के लिए। जी अभी लाई। अब कितने दिन रह गए इसके निकाह के? अरे जुम्मे रात को पड़ा जाएगा इसका निकाह। रमेश के ताऊ का बहुत बड़ा दिल है, वरना शादी से पहले कौन रखे है?
उन्होंने ना समाज की परवाह की और ना बिरादरी की। और क्या करते बालकों के अब्बू जान, जुबान के बहुत पक्के हैं। शमा को एक बार अपनी बहू मान लिया तो मान लिया, 40वें के बाद इसका और जावेद का ब्याह हो जा, तुम्हारी चिंता सी मिट जावे। आज जरूर आना है, आज कुआ पूजन है, कदी आज भी घर में पड़ी रह वे। जी आ जाऊंगी। कैसे बैठ लियो? गाओ बजाओ। अरे दादी हम ढोलक बजावे, तू नाचियो। ए लाली जब प्यास आती आवे में इतना नाचे सारा गांव। अकेली है बाबा की गैल। चलो रे कुछ नाच गा लो, दांत दिखा रही हो। अरे मौसी जी आज तो समा को नचा लो, इसका नाच ना देखा किसी ने। कामना तो ठीक कह रही है। शमा चल आज नाच के दिखा दे। नामी मुझे तो शर्म आवे। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, यहाँ कौन सा मर्द बैठे हैं, सारी औरतें तो बैठी हैं।
कर रहे हैं? अम्मी कह रही थी पाँव में चोट लग गई, दिन में आपसे बात करने का टाइम नहीं मिला, अब सब सो गए हैं इसलिए आया हूँ। हाँ वो मुझे पता ही नहीं चला कि कब चूड़ी टूट गई और कब पैर में कांच लग गया। देख तो उस घर में ना जाया कर, मजा अच्छा नहीं लगता। जी वो तो अम्मी ले गई थी। चलो छोड़ो, मैं भी ना जाने की बात कर बैठा। कितनी खूबसूरत लग रही हो, चांद भी देख के तुझे बादलों में छुप जाएगा। जी आप क्या कर रहे हैं? दो चार दिन में हमारा निकाह होने वाला है, सबको पता है अम्मी अभी भी, इससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए निकाह से पहले ये ठीक नहीं, खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाइए। देख तू समझने की कोशिश कर, मान जा वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आप यहाँ से चले जाइए वरना हम अम्मी को बुला देंगे। एक बार निकाह हो जाने दे, तुझे तेरी हरकत की सजा जरूर दूंगा। चल। अरे रवि तेरे पैर में क्या होया? कुछ ना।
कुछ ना होया तो लंगड़ा क्यों रहा है? चोट सी लगी थोड़ी सी। कमाल है, तेरे पैर में भी चोट लग गई और शमा के पैर में भी चोट लग गई, दोनों के एक ही पैर में चोट लग गई। देवर जी अब ये उछल को छोड़ दो, वरना चोट तो क्या टांग भी टूट जाएगी। फिर सब छूट जाएंगी ये मुर्गी बकरी। और कै दिन रह गए तेरे यहाँ रहने के? ओहो देवर जी बुरा मान गए ना, और इनाम दे दूं इस बात पे। सुनो जी, हमारा ये रवि सुधरेगा भी या ऐसा ही रहेगा? तू दहेज में सब कुछ लाई पर अपनी बुद्धि घर छोड़ आई। तुम तो मुझे पागल ही समझना। तो तू बात ऐसी कर रहा है, जिस दिन चील के घोंसले में मांस मिलना शुरू हो जाना उस दिन सोच लिए मारा रवि सुधर जाएगा। एक बात बताऊं? तू कुछ मत बतावे, सो जा चुपचाप। क्यों? तू जब भी कुछ बतावे है ना, खर्चे की बात बतावे। खर्चे की बात ना है। खर्चे की ना है तो बता फिर जल्दी। पता ना आजकल रवि को क्या हो गया है, बहुत बदल सा गया है। चुपचाप छत पे बैठा रहवे, ना तो किसी से बोलता है ना कुछ। अब तो जावेदर के घर भी जाने लगा है, ना ढंग से खाता है ना पीता है। रह कुछ ना है, सब बहाने हैं उसके। तू देखती रह, टीम बना रहा मुर्गी पकड़ने की। पता ना आपकी कौन सी मुर्गी पकड़ेगा। अरे शमा, अरे शमा तू ठीक तो है? यहां भी आया था क्या वो? नहीं। पाल, अरे क्या होया? क्या होया? पता नहीं कौन था, भाग गया। बस हाथ लेकर ही गया। साला मेरे हाथ आ जाता ना तो जिंदे को जमीन में कर देता। क्यों रवि ना आया उठ के? अरे वो कदी आया है के टाइम पे? अरे कोई बात नहीं, आंख लगी रगी होगी। जमीला कुछ ले तो ना गया? पता ना बहन, चल कर देखू अभी।
ये कहे अबू, मैं भागा तो उसके पीछे बहुत था, पर ससुरा हाथ ही ना आया। खुदा कसम, मेरे हाथ लग जाता तो इतना मारता कि उसकी औलाद भी सब बना कहती। रे चुप रह ले, उसे बना कहती क्या तुझे कहती? मैं तो मारते मारते मुर्गा बना देता साले का। अरे भाई, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, जब सांप निकल गया तो क्यों बेकार में लकीर पीट रहे हो? अरे तुम एक बात तो बताओ, तुम में से किसी की नजर तो पड़ी होगी उस पे, और वो कैसा लग रहा था? पड़ी पड़ी क्यों ना, पाछे से तो बिल्कुल रवि जैसा लगा था वो। लो, मुझे देखे इसका भी इलाज करवाना पड़ेगा, इसे सपने में भी रवि नजर आवे। मुर्गी खो गई तो रवि, चोर आ गया तो रवि, अरे मुझे दिखे ये बावड़ा हो गया। चोरी तो रात तुम्हारे घर में होगी। हमारे घर में ये ले गए लक्ष्मी, 10,000 रुपए रखे अलमारी में, वो ले गया। भाई यू तो गजब हो गया, कुछ और देख लो, कुछ और तो ना ले गया? और तो सब देख लिया मैंने, और कुछ ना गया। भाई सात सात लाठियों के बीच में से मारा कुछ लेके निकल गया, ऐसा कैसा हो गया वो चोर? कुछ ना, थोड़ी सी चोट सी लगी। थोड़ी सी बता रहा, कितना खून निकल रहा। अरे मौसी जी, अरे के हो गया? रवि के हाथ में चोट लगी, दवाई कहाँ रखी है? इसके भी चोट लगती ही रहवे, जब शमा के पैर में चोट लगी थी तब से दवा उंग गई है। दवा की जरूरत ना, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। पागल है, इतना खून निकल रहा, मैं अभी दवा लाती हूँ। ध्यान से काम करा कर। जी अम्मी। मौसी जी जल्दी से दवा दे दो, रवि की चोट लगी। या अल्लाह, उसे भी चोट लग गई। मौसी जी, शमा को ये क्या हो गया? ए आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी, हाथ में चाकू मरवा लिया, पता ना इसका ध्यान भी कहाँ रहे। ले जल्दी ले जा, खड़ी क्यों है? दिखा इधर। वो 10,000 रुपए तूने ही चुराए थे ना? मेरा दिमाग खराब है? मैं सच बोल रही हूँ ना? मैं क्यों चुराता, मैं अपने घर में ही चोरी करूँगा। तो फिर जब सब चोर के पीछे भगे थे तो अपने कमरे की तरफ क्यों भगा था? मैं तो उठा था, पर जब देखा चोर जावे इधर के तो मैं उल्टा आ गया। तो फिर पसीने से लथपथ सांस क्यों फूल रही थी तेरी? तुझे पता है शमा के भी हाथ में ही चोट लगी है? रवि, तू जिस रास्ते पे जा रहा है ना, वो ठीक ना है। अपनी दादी को आवाज लगा दे,
अल चाय ना पिलाने की का वो? लो पिताजी चाय। अरे बेटे तू आई, आज वो कहाँ गई? जी भीतर है। अच्छा कहाँ हो लाट साहब, भैंस को नवा सकता है का? उस पे ना नवाई जावे अब भैंस। क्यों मेहंदी लग रही है उसके हाथों में? मेहंदी ना चोट लग रही है, पता ना क्या कर रहा था रसोई में, हाथ में चक्कू लग गया। पता नहीं क्या करके रहेगा, ध्यान कहीं रहे, काम कहीं करे। अभी थोड़े दिन पहले तो पाँव में लगी थी, अब हाथ में लग गई। पता नहीं बीमारी तो समझता बाहर है या बात। आजकल तो उसके रंग ढंग भी बदल रहे हैं। ठीक कह रहा तू, वो पहले जैसी बात ही ना रही, अब कभी वो हंसता बोलता दिखता ही ना है। हाँ भाई यहाँ आ तू। अरे तेरा ध्यान कहाँ रहे? तो ना हाथ में भी चोट लगवा ली कहिए, और डॉक्टर चला जाता ढंग तो पट्टी भी हो जाती और टेटनस की सुई भी लग जाती। और वो तेरी टांग की चोट का के ठीक होगी के? पिताजी वो तो। वो क्या? अरे कोई बात है तो तू हमें बता भाई। ना पिताजी ऐसी कोई बात ना है। हैं? के लिए आप यहां से चले जाइए, अगर कोई जा किया तो कयामत आ जाएगी। कयामत तो आ चुकी है मेरे सामी है। आप दीवाने हो गए हैं। दीवाना तो मैं तेरा बहुत पहले से हूं, तेरा मेरा तो जन्म जन्म का रिश्ता है। किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? तू मुझे भूल गई सब्बो? शब्बो? कौन शब्बो? तुझे क्यों हो गया सब्बो? तू मुझे नहीं पहचान रही है? मैं मनोज हूं, तुम्हारा मन्नू। तू सब्बो है। क्यों या सब्बो, तू के सोचन लगी? शब्बो सुनकर ऐसा लगता है जैसे इससे हमारा कोई गहरा ताल्लुकात रहा हो। पता नहीं क्यों आप जितनी भी बातें हमसे कह रहे हैं वो सब हमें सच लग रही हैं, जबकि ना तो हम किसी शब्बो को जानते हैं और ना ही किसी मनोज को। कल तो बात बनी ना, आज चल के देखूं। थोड़ी जोर जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो वो भी करके देखूंगा। तुझे कुछ याद नहीं आ रहा सब्बो? हम दोनों साथ स्कूल में पढ़े थे, तू आगे बैठे कर रहती, मैं तेरे पीछे तक कंकर मारे करूं था, तू मेरी काफी भी बनावे थी। वो लहराते हुए खेत जहां मैं खड़ा होकर तेरा इंतजार करूं था, और तू छुप के बुरके में आए कर रहती, और पहले मेरे से मजाक कर रहती, और फिर तुम्हारा वो खिली धूप सा चेहरा, और हाँ तुमने मेरी बीड़ी भी छुटाई थी, और हमारा लेटर पकड़ा गया था, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी थी। लाठियां चली, बंदूकें चली। कोई आ रहा है, आप यहां से चले जाइए। नहीं, मैं आज तुम्हें सब कुछ याद दिलाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। आपको खुदा का वास्ता, अगर आप हमसे जरा सी भी मोहब्बत रखते हैं तो आप यहाँ से चले जाइए। अगर मेरे जाने से ही मेरी मोहब्बत का पता चलता है तो मैं यहाँ से जरूर जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी बातों पर गौर करिए सब्बो।
अबू आज इसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे घर में चोरी करने वास्ते भी आ गया। आज मैं इसे जिंदा दफन कर दूंगा। बेटा कुछ बात हुआ करे ना तो तू मुझसे कहा कर, तू क्यों ऐसी वैसी हरकतें करता है? अरे तुझे मुर्गी ही चाहिए ना, मैं दूंगा तुझे मुर्गी। तू चल मेरी गैल, तू सारी मुर्गियां ले जा, पर ऐसा काम मत कर। अगर तुझे ये अनजाने में कुछ कह देते तो चोट यहाँ नहीं, यहाँ लगती। यहाँ क्यों ले जाएगा मुर्गी? हम देखेंगे मेरे तक कैसा लगेगा मुर्गी को। हाँ भाई ये बात है, तुझे रात को भी चैन ना आता। अरे कभी चैन तो रहने देगा का ना। ओ महेंद्र, यू घर है इसका, यू तो इससे भी देर रात तक यहाँ आएगा। और तू कौन होता है हम दोनों के बीच में बोलने वाला? अरे छोड़ यार इकबाल, किसी बात की हद होया कर। रमेश ले चल इसे घर, चल भाई घर चल के देखूंगा तुझे। ये बात होगी कुछ मुझे भी बता दो। बात क्या होती, आज तो हदगर दिन है। जावेद के घर घुस गया इतनी रात में मुर्गी चुराने के लिए। हम तो अभी लो यही समझ लेते हैं कि बाढ़ बुद्धि है, समझ चका पर इसने तो अति कर दी। इसे तो हम कितने समझा लियो, इसकी समझ में ना आने की कुछ भी। अब तक तो घर के बाहर की बात थी, अब जो घर में घुस गया मुर्गी चुराने के लिए। मैं मुर्गी अभी नहीं आ गया वहां, मैं सबों से मिलन गया था। किस सबों की बात कर रहा तू? मैं अपनी सबों की बात कर रहा हूं जिसे तुम शम्मा कहते हो। क्या बात कर रहा तू? तू तो वीर और वो सबो नहीं शम्मा है, तेरी होने वाले पापी। नहीं वो सबो है, मैं मन्नू हूं, सबो का मन्नू। हम दोनों गांव के स्कूल में साथ पढ़े थे, हमारी शादी हुई थी, हमारा सात जन्मों का बंधन वो भगवान भी नहीं झुटला सकते। वो मेरी सबको है, सम्मा नहीं। तू उसमें भी है, आंख भी काली दिखा है जो वो मेरा बक जा रहा। मैं हो उसमें हूँ और ठीक कह रहा हूँ, सबको मन्नू की और मन्नू की रहेगी, उसको उससे कोई जुदा नहीं कर सकता। पिताजी कुछ ना है, बहाने भरना सारे हो, अभी जूत बच जाए इसके सिर पर। मेरी मोहब्बत को बहाना बता रहा तू? सबो मेरी है। रोम रोम में बस गया, बस गया उसका प्यार है। खट्टा खट्टा मीठा मीठा ये जो कुमार है, चोरी चोरी चुप चुप हुआ दीदार है। बंदर की इज्जत तो कर लगा, मैं बताऊंगा इसे। मैं तेरे को छोड़ दो, मुझे खोल दो, मुझे सबो मेरी है, मेरी रहेगी।
जो बढ़ता ही जावे, यूं आए रोग जैसा जो बढ़ता ही जावे, कुछ भी न भावे याद वो आवे, कोई मन न बतावे, यूं आए रोग जैसा जो बढ़ता ही जावे, यूं आए रोग जैसा जो बढ़ता ही जावे। जितना भी सोचूं बढ़ता जावे, आए मेरा यूं दिल घबरावे, जितना भी सोचूं बढ़ता जावे, आए मेरा यूं दिल घबरावे, ना सोचूं तो चैन न आवे, मुझे हुआ के पार न पावे, जो बढ़ता ही जावे। हंसावे कदी रुलावे, आती जाती हवा सतावे, कदी हंसावे कदी रुलावे, आती जाती हवा सतावे, एक अजब सी लगन लगावे, जो किसे यूं रुक ना पावे, हो समझ ना वे, यूं आए रोग कैसा जो बढ़ता ही जावे, यूं आए रोग कैसा जो
ताऊजी सलाम। अरे भाई महेंद्र, अब ठीक है रवि? रखे ठीक है, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये दिन देखने से पहले हम मर क्यों ना गए थे? अरे बावला हो गया तू, ऐसे ना करा करते हैं। एक बार आज सिर्फ उसकी वजह से मैं तेरे तो आंख मिलाने के लायक भी नहीं रहा। अरे यार महेंद्र, तू कैसी बातें कर रहा है? मारे पे आज तक बड़ी बड़ी मुसीबतें आई और चली गई। खुदा पे भरोसा रख, खुदा पे। हमने आज तक हर मुसीबत का सामना साथ साथ किया है। ना एक बात ना, इसमें रवि की बहुत बड़ी गलती। कुछ ना हुआ है? झपटा उपटा हुआ है, दूधने वाले पीर पे जाके झाड़ा लगवा लाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और है कहाँ वो? ऊपर गिर रखा बांधगा। अब ऐसे कर, उसे खोल के खाना वाना खिला दे, ऐसे तो वो बीमार पड़ जाएगा। ना ताऊ जी, उसे वहीं बंद रहने दो, दो चार दिन बंद रहेगा तो कल ठिकाना आ जाएगी उसकी। अरे बेटा तू पागल हो रहा है, जा खोल के आ उसे। अरे हम समझावेंगे उसे। अरे तुझे सुनाई ना दे रहा है जब हम कह रहे हैं, जा खोल के आ उसे। और सुन, आते रोटी भी लेता आइए उसके लिए। ताऊ रवि को क्या होगा? आ बैठ मेरे दोरे बैठ। अब तेरी तबीयत ठीक है बेटे? अब तो ना चढ़ रहा तेरे पे मनोज का भूत। हाँ भाई रवि। तुम मुझे रवि रवि मत करो, मैं मनोज हूँ मनोज, और सबको मेरी है। अरे फिर बकवास करने लगा, तो तुम क्यों मुझे रवि रवि कर रहे हो? अरे क्या मामला है, कोई मुझे भी तो बताओ। मुझे कोई बताना रहा है? अरे इसने रात भर यही बकवास करी है कि मैं मनोज हूँ या मेरी सब्बो है। हम फलाने गांव में रहे थे, हम ठिकाने स्कूल में पढ़े थे, हम यू कर रहे थे, हम वो कर रहे थे। क्या बकवाद ना है, ये प्यार है मेरा। सब्बो जमालुद्दीन की लड़की है और मैं आजाद का लड़का हूँ। अरे चुप रह ले पिताजी, इसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो, तीसरे झटके जरूरत ना है इसे। पहले मैं कहते कर रही हूँ, मैं मनोज हूँ और सब्बो मेरी है। पिताजी इसने खून पी लिया हमारा। चार दिन पीछे ब्याह है घर में, यूं ना जाने कैसे कैसे करके हटेगा। सबों का ब्याह मेरता होगा, मेरता होगा, मेरता होगा। अरे इसे बंद करा तू, यो ऐसे बाज ना आने का, इसे तो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। चुप रह करें, बिल्कुल ठीक है यूं, कुछ ना हुआ इसे। देख बिल्कुल ठीक है। अरे भाई कोई खाना खिलाओ इसे। जिद ना करा करते बेटा, चल खाना खा ले। सब्बो मेरी है। हाँ हाँ तेरी है, इब रोटी तो खा ले। महेंद्र यार चला देख यहाँ मैं, ये जिस गांव के बारे में बात कर रहा है। अरे तू इसे बचपन से जाने, फिर भी तू ऐसी बात कर रहा। चल तेरी बात बड़ी कर दी कि कुछ भी ना है, पर एक बार चल के देखाने में ऐतराज क्या है। चल भाई ठीक है, तू नहीं मानता तो चल। तेल वेल डालो स्टेशन में, इसके दिमाग में गर्मी चढ़गी। चला यार आ, सारी सारी दोपहर ही छत पे खड़ा रहता। मेरे रोम रोम में बस गया, बस गया, उसका प्यार है। खट्टा खट्टा मीठा मीठा ये जो कुमार है, चोरी चोरी चुप चुप हुआ दीदार है। अहिंसा परमो धर्म है, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। मका बैठ जा नीचे तू, नहीं तो मर जाएगा इन हाथों से। शास्त्री जी आपको बड़े सर जी बुला रहे हैं। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। बच्चों तुम्हें जितना बताया है उतना याद करो, मैं अभी आ रहा हूँ। और सुनो, कोई बच्चा शोर नहीं मचाएगा। राजू यहाँ आके खड़ा हो जा, जो कोई बच्चा शोर मचाए उसका नाम नोट कर लेना। मैं आई कम इन सर। यस कम इन सर, आपने मुझे बुलाया। हाँ शास्त्री जी आपको बुलाया, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। भाई साहब ये है शास्त्री जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आदाब।
शास्त्री जी आप इनसे बात करो, तब तक मैं विद्यार्थियों को पढ़ाकर आता हूँ। बैठिए जी, कहिए। शास्त्री जी। जी। हम आपसे कुछ पूछने के लिए आए। पूछिए। आपके स्कूल में कभी शब्बो और मनु नाम के बच्चे पढ़ा करते थे? ये बात है कमरुद्दीन, मुझे लगता है तुमने मुझे अभी भी माफ नहीं किया। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं सब्बो और मन्नू के प्यार के बीच में आ गया। अरे नहीं कमरुद्दीन, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे माफ कर दो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो जब सोचूंगा, जब तुम मेरे हाथ से मिठाई का पीस खाओगे, तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। सब्बो, मैं पहले अपने जिज्जा को खिलाना चाहूंगा। अरे पहले इसे खिला ले। अब तो खुश हो? अब तो बहुत खुश हूं। मुझे कुछ हो रहा है। मेरा काम हो गया। मेरे जीते जी जब्बो और मन्नू कभी नहीं मिल सकते, वो गए कई काम से। जब्बो क्या हुआ? मैंने तब दोनों को जहर दे दिया। Oh.
शास्त्री जी, यह सच बात है? सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप लोग चाहे तो आज भी गांव वालों से पूछ सकते हैं, बच्चे बच्चे बता देंगे। आज भी आसपास के किसी गांव में कोई लड़का या लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो मनोज और शब्बो का उदाहरण देते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी उन्हीं की तरह अमर हो जाए, उनका प्यार अमर हो जाए। शास्त्री जी, आप हमें उनके घर ले जा सकते हैं? ठहरिए रामदीन, क्लास 10th से सुनील को लाना बुला के। सुनील मनोज के बड़े भाई सतीश का लड़का है। अरे भाई सुनील कौन सा, उसे शास्त्री जी बुला रहे। आ रहा हूं। मैं आई कम इन सर। यस कम इन। बेटा बाबा जी हैं घर पे? हाँ जी, दोनों घर पे ही है। ठीक है, तुम जाओ। चलो जी चलें। बहन जी राम राम। नमस्ते जी। राम राम शास्त्री जी। कोई भी दिखाई ना दे रहा, घर कैसे खाली सा हो रहा? वो और सतीश तो खेत पर गए, और बालक स्कूल जा रहे। तुम बताओ शास्त्री जी, के काम है? बस जी करा, चौधरी साहब से मिलने चले आए। तुम बैठो, मैं दूध ले आऊं। आओ बैठे। बेटा तू टाइम से खाया पिया कर, और देख धूप होया करे तो तू छत पे न जाया कर। अब तू बालक ना रहा रवि। फिर रवि, मन्ने तू कई बार समझा ली मुझे, रवि मत कह करे। मैं मनोज हूँ, मनोज सबो का मनोज। कामना उंगे शोर से कैसे बच रहा है? तेरा मुंह फूट गया के? ये कहां से इतने महंगे? अरे बताती कैसे ना है? अरे मौसी जी, वो जावेद शमा को पीट रहा है। रवि, अरे कामना जरा रमेश को भेजियो, रोकियो इसे कोई। ये चोरी बता कहां से आई? तेरा मुंह फूट गया के? ये कहां से आए इतने महंगे? तुझे तो मैं अभी बताता हूं।
सबो ने शम्मा है। ये सबो है और मैं मनोज हूँ। कमीने के बकरा तू, लगता है यहाँ से मर के जाएगा। तो आजा फिर, आज मैं देखूंगा तू मरे या मैं मरूं। रमेश रोकने नहीं तो काट के फेंक दूंगा। अभी नहीं मारेंगे तू। आज हमारे परिवार में एक किक्कर का पेड़ पैदा हो गया, जिसने हमारे एक परिवार को दो परिवारों में बांट दिया। इससे पहले कि कांटा बन के हमारे दिलों में चुभे, इसे उखाड़ फेंको, वरना खुदा की कसम उखाड़ना मजे भी आता है। ज्यादा बकवास नहीं किया करते। अरे योद्धा चीरते हमें, जब से पैदा हुए वो लाने के काम करता है। ऐसी औलाद तो पैदा होते ही मर जाए तो अच्छा है। पता नहीं क्या भूत चढ़ रहा है मनोज का, आज तो यही समझ में ना आता। भाई क्या कह रहे हो माँ, तू समझा रहे हैं मनोज मनोज। भाई सबो मेरी रोम रोम में बस गया, बस गया उसका प्यार है। खट्टा खट्टा मीठा मीठा ये जो कुमार है, चोरी चोरी चुप चुप